आप लोग भी जब गूगल या यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि कौन सा यूट्यूबर है जिसका पुतला जलाया गया है, तो सिंपल से गूगल पे भी बता देगा कि सौरभ जोशी का पुतला जलाया गया था। आज तक जब से यूट्यूब आया है इंडिया में, तब से आज तक किसी यूट्यूबर्स का पुतला बनाकर नहीं जलाया गया। बाकी इसमें रिकॉर्ड बन गया है कि सौरभ जोशी का पुतला बनाकर जलाया गया है, रिकॉर्ड हो गया है कि सौरभ जोशी का पुतला बनाकर जलाया गया। ऐसा यूट्यूबर्स कभी भी किसी कितना बड़ा घमंडी उसका पुतला नहीं जलाया गया। बाकी सोच लीजिए आप लोग कितना बड़ा घमंडी है और कितना बड़ा औकात रखता है कि उत्तराखंड को हमारे वजह से जाना जाता है, उसकी वजह से जाना जाता है। ये औकात से ज़्यादा बोल रहा हूँ। एक कहावत है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो उसके पास घमंड अपरूपी आ जाता है। फ्रेंड्स, वो जो कहावत है बिल्कुल सौरभ जोशी के हिसाब पर पूरा एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, सौरभ जोशी का पुतला जो होता है उत्तराखंड में पुतला जलाया जा रहा है। आप लोग जानबे करते होंगे कि बहुत सारा बवाल हो रहा है। सिंपल से उस वीडियो में एक ब्लॉग वीडियो बना रहे थे सौरभ जोशी, उस वीडियो में सिंपल से कह दिया था कि मेरे ब्लॉग की वजह से उत्तराखंड को जानते हैं, इसीलिए बहुत लोग उत्तराखंड के बहुत आदमी भड़क गए हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि सबसे पहले हम बड़ा बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाते हैं, बहुत बड़ा ब्लॉगर बन जाते हैं, 8-9 मिलियन हमारा भी सब्सक्राइबर्स हो जाता है, तो सिंपल से हम भी ब्लॉग बनाते हैं। सिंपल से बिहार में रहते हैं, सिंपल से बिहार के ब्लॉग बनाते हैं, बिहार या पटना का ब्लॉग बनाते हैं। घमंड हो गया कि हमारे वजह से बिहार को जाना जाता है, हमारे ब्लॉग की वजह से बिहार को जाना जाता है, पटना को जाना जाता है, तो सिंपल से इसमें लोगों का रिएक्शन तो बढ़े करेगा कि तुम कितना एक छोटा मोटा यूट्यूबर हो और तुम्हारे वजह से बिहार को जाना जाता है। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसा सौरभ जोशी के साथ हुआ है जो उत्तराखंड में है। सिंपल से उत्तराखंड में सिंपल से एक ब्लॉग बना रहे थे, सिंपल से उसके वीडियो में कह रहा था कि सिंपल से फ्रेंड्स की जो हमारा ब्लॉग जो वीडियो होता है, हमारे ब्लॉग वीडियो से उत्तराखंड को जाना जाता है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो सिंपल से सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है, तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी और उत्तराखंड के लिए, पूरे इंडिया के लिए। इसीलिए फ्रेंड्स, जो सौरभ जोशी ब्लॉग में, सौरभ जोशी ने अपना ब्लॉग में बताया था हमारे ब्लॉग की वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है, तो इसलिए सब जानता भड़क गया और इसीलिए रिएक्शन उसका पुतला लेकर जलाया जा रहा है। सिंपल आप लोग इस वीडियो को देखिए। हम लोगों ने कि भाई उत्तराखंड का आदमी है, हमारा आदमी करके हम लोगों ने उसका सप्लाई बड़ा बढ़ा के आज उसे करोड़ों रुपए कमा दिए। और उसने जो हाल ही में भी बयान दिया है एक दो दिन पहले, बोला ये उत्तराखंड को कोई जानता ही नहीं था, उत्तराखंड को लोग मेरे नाम से जानते हैं, मैं सौरभ जोशी में इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ कि मेरे नाम मुझे पता नहीं। देवभूमि उत्तराखंड को अभी से नहीं जानते लोग, देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार है, देवभूमि उत्तराखंड में क्या बोलते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ है। हालांकि रावण का भी घमंड था, मगर उसने ये नहीं किया था कि हमारे वजह से लंका को जाना जाता है। रावण भी इतना बड़ा घमंडी था, उसको ये नहीं कहना कि हमारे वजह से लंका जाना जाता है। मगर इन छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो अभी कितना सिंपल से छोटा मोटा यूट्यूबर है, सिंपल इसे कहने का मतलब होता है कि हमारे वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है, एक राज्य को हमारे वजह से जाना जाता है। इतनी औकात नहीं है इसका इतना कहने का कि सिंपल से हमारे वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है, ऐसा सरासर गलत बोला, इसलिए जनता भड़क गया। इसको माफ़ी मांगना चाहिए, सिंपल से माफ़ी मांगेगा भी नहीं तो मुँह 3 दिन हो जाएगा, सिंपल से इसका भी कहना है। क्योंकि जनता अगर आप लोगों को बना भी सकता है तो आपको गिरा भी सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्स का रिएक्शन भी हो रहा है, वो पहले आता है 7-8 मिलियन पर वीडियो पर व्यूज आता था, मगर अब जो आ गया 2 या 3 मिलियन पर जाते जाते हफ जाता है कि आप जेवन करता है व्यूज। यही होता है, जो ज़्यादा पैसा आ जाता है सिंपल से मुँह से अपने आप अगर बकर निकलने लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी सौरभ जोशी के साथ पैसा आ जाता है सिंपल से, तो आपके मन में भी बहुत सारा घमंडी का ऑप्शन चढ़ जाता है, जैसे रामन का घमंडी था तो इसीलिए इसका भी सौरभ जोशी भी घमंडी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारा यूट्यूबर्स मिलने जाता था, बाकी इससे मिलने के लिए टाइम नहीं होता है, वीडियो में नहीं आना है, ऐसा घमंडी दिखाते थे फ्रेंड्स। बाकी आज जनता लोग जान गए हैं कि कितना बड़ा धोखेबाज यूट्यूबर है, जनता भी आप इसका जवाब दे रहा है। आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अपने आप पर घमंड कभी भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो पैसा आएगा, जैसे घमंड कीजिएगा तो सब चूर चूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इतना बड़ा रावण का घमंड तो रहवन किया, तो सिंपल से सौरभ जोशी या सौरभ जोशी का क्या घमंड रहेगा। सिंपल से इसका जनता भी इसका जवाब दे रहा है, धीरे धीरे इसका भी चैनल डाउन हो जाएगा अगर आप ऐसा तरह इस तरह से घमंडी बनते हैं। अगर आप लोगों के पास सब्सक्राइबर्स कोई मिलने जाता है तो सिंपल से आप लोग अच्छा बर्ताव कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सौरभ जोशी के पास जो
भी वीडियो जो भी सब्सक्राइबर्स मिलने जाता था हर वीडियो में देखते थे कि उस घोरत बस्ती घमंडी है अच्छा से मिलता नहीं था। जो टेक चैंपियन सपोर्ट हमारे कैटेगरी में जो टेक चैंपियन सपोर्ट किया इतना बड़ा यूट्यूबर गया साथ मिलने के लिए तो उससे नहीं मिला था हम लोगों को तो बहुत ही कम छोड़ने के लिए भी नहीं मिलेगा। जो टेक चैंपियन सपोर्ट ने मिलने के लिए गया था उसने भी कह दिया कि वीडियो में नहीं आऊँगा तो इसमें क्या कह सकते हैं घमंड कह सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि ज़्यादा घमंड नहीं करो अपने आप पे जितना भगवान दिया उसमें खुश रहो ज़्यादा घमंड नहीं रखो नहीं तो घमंड रावण के तरह हमने किया आपका क्या रहेगा। सौरभ जोशी वीडियो कैसा लगा आप लोगों का क्या रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सौरभ जोशी के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।